हेलो दोस्तों, मैं हूं संजीव कुमार और आप देख रहे हैं हमारा चैनल यूट्यूब क्लाउड। तो एक बार फिर मैं आपके लिए लेके आ चुका हूं एक नया वीडियो, नया टॉपिक। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखिए, ताकि आपके लिए जो भी मैंने वीडियो में बताए हैं वो आपके लिए एकदम काफ़ी क्रिस्टल एंड क्लियर हो। हेलो दोस्तों, तो आज मैं बताने जा रहा हूँ आपको RBL बैंक के बारे में। वीडियो काफ़ी ज़्यादा छोटी होगी लेकिन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी, तो प्लीज़ वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आज इस वीडियो में सारे लेवल हम लोग डिस्कस करेंगे जो इस बैंक को ऊपर जाने से रोक सकते हैं या फिर नीचे आने पे सपोर्ट का काम कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हम लोग आ चुके हैं RBL बैंक के चार्ट के ऊपर, तो जैसा कि आप चार्ट पे देख रहे हैं, मतलब पिछले कुछ दिनों से काफी ज्यादा इसमें सेलिंग ही आ रही है और एक ये जो लेवल से मैंने मार कर रखा है व्हाइट कलर से, ये इसका सपोर्ट का काम कर रहा है। तो जैसा मेरे को अब इस बैंक के अंदर लगता है, ये जो लेवल मैंने मार किया है 213 का लेवल और ये 208 का लेवल, मतलब इसके बीच में ट्रेड करना चाहिए लेकिन इससे इस लेवल को इसको नहीं तोड़ना चाहिए। तो अगर इसके अंदर मैं ट्रेडिंग करूंगा तो मैं यहाँ पे जरूर बाय करूंगा, जैसे कल मतलब मार्केट ओपन होती है और अगर मेरे को ये बैंक 213 के आसपास मिलता है या 214 के आसपास मिलता है तो इसको मैं डेफिनेटली बाय करूंगा। और यहाँ पे जो मेरा स्टॉप लॉस होगा लगभग 208 रुपये का होगा। तो इस केस में अगर मैं 214 पे बाय करता हूँ, 208 का स्टॉप लॉस रखता हूँ, इस केस में मेरा स्टॉप लॉस हो जाएगा 6 रुपये का और जो मेरा टारगेट होगा कम से कम वो टारगेट मेरा होगा 222 रुपये का। और एक लेवल और है कि अगर इसने 223 वाले लेवल को क्रॉस कर दिया, मतलब अगर इसने इस वाले रेजिस्टेंस को अगर क्लियर कर दिया, मतलब ये थोड़ा नीचे करके दिखाता हूँ आपको सही से दिखेगा, अगर इसने अगर इस वाले लेवल को क्रॉस कर दिया 226 के लेवल को, तो इसके लिए जो खुले हुए जो रास्ते हैं वो मैं आपके सामने डिस्कस करने वाला हूँ। इसका जो अगला लेवल होगा वो ये होगा, ये एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस है 230 रुपये का। तो जैसे इसने 231 का लेवल पार किया तो इसका जो अगला लेवल बनता है, मतलब ये ऊपर कहाँ तक जा सकता है, तो इसके लिए जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का काम करेगा 239 रुपये का, ये वाला लेवल जो मैंने मार कर रखा व्हाइट कलर में। और उसके बाद जो इसका अगला टारगेट है वो बनता है हमारा 290 का। तो पहले इसके लिए ये वाला काफ़ी ज़्यादा अच्छा खासा रेजिस्टेंस का काम करेगा, तो 273 रुपये का ये जो लेवल है इसके लिए एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस होगा। अगर हम यहाँ इसको बाय करते हैं तो हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा 208 रुपये का और मेरे को नहीं लगता इसको इस लेवल से नीचे ट्रेडिंग करना चाहिए। तो अगर जैसे कल मार्केट ओपन होती है तो मैं इस लेवल पर पक्का बाय करूंगा और मेरा यहाँ पे स्टॉप लॉस हो जाएगा 208 रुपये का। तो आपके कन्फ्यूजन को क्लियर करने के लिए मैं सारे लेवल्स में यहाँ पे लिख देता हूँ। यहाँ पे जो मेरी एंट्री होगी वो 213 से लेकर 214 के बीच में होगी और यहाँ पे स्टॉप लॉस जो होगा मेरा 208 रुपये का, टारगेट वन जो होगा ये हो जाएगा मेरा 220 के आसपास का, टारगेट टू 223 और टारगेट जो अगला होगा ये हो जाएगा अपना 238 के आसपास का। लेकिन जो 238 का होगा ये थोड़ा सा लॉन्ग टर्म होगा। तो ये जो मुझे इसके अंदर जो लेवल्स लग रहे थे इसमें आने वाले दिनों में जो इसके लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, मैंने आपके साथ शेयर किया है। तो अगर इस वीडियो में आपकी थोड़ी सी भी हेल्प की हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड कीप वॉचिंग माय वीडियोस। होप गाइस दिस वीडियो इज वेरी हेल्पफुल फॉर यू, देन प्लीज प्रेस लाइक बटन एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल।